इंदौर में पलासिया पुलिस ने नशे के सौदागर कपिल काला को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से अवैध गांजे की स्मगलिंग कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कपिल काला को पकड़ा और उसके पास से 2 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। आरोपी पर शहर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिकायत आ रही थी कि गांजा का कारोबार कर रहा है, खरीद फरोख्त कर रहा है और नशे का व्यापार कर रहा है। इस सूचना पर कल थाना पलासिया की टीम को भेजा गया, जिसे रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसके संबंध में कार्रवाई की गई है। आरोपी को पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने पर इसने गांजा कहाँ से लाया, इसके स्रोतों का भी पता किया जा रहा है। चूंकि आरोपी थाना का गुंडा लिस्ट में शामिल है, इसलिए इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके जो अवैध निर्माण है उसे भी गिराने के लिए कार्रवाई की जाएगी।